अंडरवर्ल्ड डॉन, 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का जिम्मेदार, बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत में अपनी धाक जमाने वाला दाऊद इब्राहिम। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की सारी जानकारी। कैसे एक महाराष्ट्र के गरीब घर का लड़का आज एक अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया, कैसे उसने कई मासूमों की जान ले ली, आइए जानते हैं। दाऊद इब्राहिम का जन्म 19 दिसंबर 1955 को हुआ। दाऊद के पिता का नाम इब्राहिम कासकर था, जो कि मुंबई के पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। दाऊद इब्राहिम मुंबई के डोंगरी इलाके में पला बड़ा। डोंगरी इलाके में ही वो कार रिपेयरिंग और ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करता था। इस काम से दाऊद को कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। दाऊद इब्राहिम को बहुत जल्द ही नाम कमाना था। ये सब देखते हुए पहले वो छोटे छोटे क्राइम और फ्रॉड्स करने लगा। अपनी टीन एज में वो मुंबई के मशहूर क्रॉफर्ड मार्केट में डुप्लीकेट घड़ी को ओरिजिनल घड़ी बताकर लोगों को लूटने लगा। ये सब देखते हुए उसके घर वाले काफी परेशान हो गए। इसी से परेशान होकर उसके घर वाले ने घर वालों को लगा कि वो शादी कराने से सुधर जाएगा, लेकिन अब उसकी ये हरकतें उसका जुनून बन गया था। इसी बीच करीम लाला गैंग और हाजी मस्तान जैसी गैंग मुंबई में काफी मशहूर हो रही थी, जिसके चलते दाऊद को इस गैंग से जुड़ने की इच्छा होगी। आगे चलकर दाऊद हाजी मस्तान गैंग के लिए काम करने लगा। उस वक्त पठान गैंग भी बहुत फेमस हुआ करता था। पठान गैंग अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे। कुछ दिन में ही दाऊद और पठान गैंग की भिड़ंत होती है। दाऊद पठान गैंग के एक आदमी को मार देता है, जिसकी वजह से पठान गैंग ने दाऊद से बदला लेने के लिए दाऊद के भाई शबीर कासकर को मार दिया। इसके बाद सबसे खतरनाक गैंग बार शुरू, जो कि हाजी मस्तान गैंग और पठान गैंग के बीच हुई, जिसमें दाऊद ने पठान गैंग के साथ साथ मान्या सूर्य गैंग को भी खत्म कर डाला। मुंबई इतिहास में पहली बार इतनी खतरनाक गैंग वॉर का हिस्सा बनी। इसके बाद हाजी मस्तान गैंग के लीडर हाजी मस्तान पॉलिटिक्स में चले गए, जिसकी वजह से सारा कंट्रोल अब दाऊद के पास आ जाता है और यहीं से शुरुआत होती है डी कंपनी की। आपको बता दें कि दाऊद को बॉलीवुड फिल्मों का बहुत शौक था, जिसकी वजह से दाऊद बॉलीवुड फिल्मों में पैसे लगाता। 80 और 90 के दशक में तो दाऊद के पैसे से ही कुछ फिल्में बनी। इसके बाद फिल्म एक्ट्रेस मंदाकिनी से दाऊद की नजदीकियों की भी खबर आई। दाऊद की जिंदगी पर बनी कई सारी फिल्में जैसे कि डी कंपनी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और ब्लैक फ्राइडे भी रिलीज थी। हाँ तो उस बात हो गई जब 1997 में दाऊद ने भूषण कुमार की हत्या कर दी, जो कि टी सीरीज के मालिक थे। हुआ यूं कि फिरौती की रकम मांगने पर गुलशन कुमार ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से जब वो सुबह सुबह जुहू बीच पर गए, तभी दाऊद के कुछ लोगों ने गुलशन कुमार पर 16 गोलियां चलाकर उन्हें मार डाला। इसके अलावा दाऊद को क्रिकेट में बैटिंग का भी काफी शौक था। कहा जाता है कि दाऊद की पहुंच इंडियन क्रिकेट ड्रेसिंग रूम तक थी। 1986 में दुबई के शारजहां में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा था, तभी दाऊद इंडियन ड्रेसिंग रूम में एंटर करता है और हर खिलाड़ी को एक-एक ग्रीन कार्ड देने की बात करता है, इस शर्त पर कि वो पाकिस्तान को हरा दे। ये सुनते ही कपिल देव दाऊद को ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने को कहते हैं। दाऊद का जुर्म इतना बढ़ गया कि उस वक्त एक्सटॉर्शन के केस भी काफी बढ़ गए थे। इसके अलावा ड्रग्स की स्मगलिंग भी काफी जोरों शोरों से चलने लगा। इलीगल तरह से दाऊद गैंग के लोग ड्रग्स की स्मगलिंग करने लगे, जिसकी वजह से लोगों को भी ड्रग्स की लत लगने लगी। और हाल ये हुआ कि मुंबई में क्राइम अपने हाई स्तर पर पहुंच गया। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, हर जुर्म का अंत जरूर होता है। दाऊद के खिलाफ लोगों का गुस्सा उस वक्त फूटा जब मुंबई 1993 बॉम्ब ब्लास्ट का गवाह बनी। 1993 ब्लास्ट उस वक्त का भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट था। उस वक्त मुंबई पुलिस ने मोर्चा संभाला और एक एक करके मुंबई के सारे गैंगस्टर को इनकाउंटर करके उनका सफाया कर दिया। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट इतना भयंकर था कि इसमें 257 मासूमों की जान चले गई। 1993 ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था और इस प्लान को एग्जीक्यूट टाइगर मेनन और याकूब मेनन ने किया था, जिसके बाद याकूब मेनन को तो पकड़ लिया गया और उसे फांसी की सजा दे दी गई और याकूब मेमन का भाई टागर मेनन देश छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद 2003 में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट करार दे दिया गया और आज तक वो फरार है। तो ये थी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की पूरी लाइफ स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।